समय बीतता है और अब बच्चा तेजी से बड़ा हो रहा है। उसका व्यवहार बिल्कुल अजीब है, वो कम बोलता है लेकिन किसी चीज की जरूरत होने पर असहनीय तेज आवाज में चीखता है। वो तब तक चीखता है जब तक कि उसे उसकी जरूरत की चीज नहीं मिल जाती। उसे देखकर टॉम हमेशा गुस्से में रहता है। इस अजीब लड़के को बस दो चीजें आती है, एक टॉम और जैमा की आवाज की नकल करना, दूसरा कुत्ते की आवाज में भौंकना। वो टीवी पर हमेशा चलते रहने वाला एक पैटर्न देखता रहता है। जैमा को शक है कि ये लड़का उन्हें इस जगह फंसाने वाले मार्टिन के लिए काम करता है। एक दिन उसकी चीख से परेशान होकर टॉम उसे कार के अंदर बंद कर देता है, लेकिन जैमा को उस पर तरस आता है और वो उसे बाहर निकाल लेती है। इस तरह साल बीतने लगते हैं। लंबे समय से टॉम बाहर गार्डन में एक गड्ढा खोद रहा है, वो मानता है वहां से कोई रास्ता निकल सकता है। अब कुछ ही साल बीतने के बाद लड़का बड़ा होकर जवान हो चुका है और टॉम बहुत ज्यादा कमजोर और बीमार। एक दिन टॉम बिना इलाज के कमजोरी के कारण दम तोड़ देता है। जैमा फूट फूट कर रोती है। अजीब लड़का उसकी बॉडी को उसी गड्ढे में पटक देता है जो टॉम ने खोदा था, यानी टॉम इतने लंबे समय से अपनी खुद की ही कब्र खोद रहा था। जैमा बहुत रोती है लेकिन लड़के की भावनाएं शून्य है। अब जैमा गुस्से में हाथ में कुदाल लेकर उस विचित्र लड़के को मारने बढ़ती है, लेकिन लड़का अपने हाथों से फुटपाथ को एक चादर की तरह उठाकर उसके अंदर चला जाता है। क्या अब जैमा बचेगी?